दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। उदयपुर में होता रहा बेटियों का सौदा, प्रशासन सोता रहा, लड़कियों की मुंह दिखाई के साथ सगाई और लग्न की गारंटी भी दे रही थी गुनबाला। सीबीएसई स्केटिंग वेस्ट जोन कॉम्पिटिशन शुरू, उदयपुर में पहली बार सीबीएसई वेस्ट जोन स्केटिंग कॉम्पिटिशन का आयोजन। छात्राओं पर गिद्ध की नजर, प्रोफेसर निलंबित, अच्छे नंबर देने के एवज में हवस का पुजारी प्रोफेसर बनाता था दबाव। उफ, कोई हसीना जब ऐसे फंसाती है तो भिलवाड़ा की ये हसीना अपनी कातिल अदाओं से कर देती है घायल। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में दो दिन पहले एक सनसनीखेज मामला सामने आया। हमारी एक आदत सी बन गई है आजकल, दो दिन पहले की गहरी और संवेदनशील बात भी ठंडा मुद्दा दिखाई देने पड़ती है। जिस बालिका सुधार गृह में नाबालिग लड़कियों से बाल कल्याण समिति यानी CWC की अनुमति के बिना लड़की के माता पिता भी नहीं मिल सकते, वहां बात कर रहे हैं यानी कि उदयपुर के सेक्टर 14 में बालिका सुधार गृह की, जहां पर रोज नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती रहीं। यहां की संचालिका गुणमाला चलावत 6,000 से 10,000 रुपए लेकर पुरुषों को न केवल एंट्री दे रही हैं, बल्कि लड़की को सगाई और शादी के लिए तैयार करने की भी गारंटी दे रही हैं। अब इतनी हिम्मत इस महिला की कैसे हो जाती है और किसकी शह पर ये इतना बड़ा खेल खेल रही थी, ये सब अब परत दर परत खुलता चला जाएगा। हुआ यूं कि गोगुंदा क्षेत्र के परिवार की एक लड़की जो एक गैर जाति के युवक के साथ भाग गई थी, परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने कार्रवाई की। नाबालिग को पुलिस ने डिटेन किया, लड़की ने अपने माता पिता के साथ जाने से इनकार कर दिया तो उसे CWC ने सितंबर में गोवर्धन विलास सेक्टर 14 स्थित मनु सेवा संस्थान के बालिका सुधार गृह में भेज दिया। अनपढ़ माता पिता उससे मिलने के लिए सुधार गृह गए तो संचालिका ने मिलाने के लिए रुपए मांगे। माता पिता के अनुसार पहली बार 10,000 रुपए, दो बार 6,000 और एक बार 2,300 रुपए की सामग्री दी। परेशान माता पिता ने जाकर भास्कर से संपर्क किया। भास्कर ने स्टिंग ऑपरेशन किया और इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया। टीम ने अंदर जाते समय 2 और बाहर निकलते समय 1,000 रुपए दिए। ये महिला गुणबाला बेखौफ इतनी कि लड़की पसंद आने पर SP से बोलकर पुलिस को भी सेट करने का दावा तक करती है। यहाँ रिपोर्टर भावेश दूल्हा बनकर गया तो रिपोर्टर लखन सालवी चचेरा भाई लड़की के माता पिता को साथ लेकर बालिका सुधार गृह पहुंचे। संचालिका ने बिना किसी कागजी कार्यवाही के लड़की को बुला भी लिया और लड़के से मिला भी दिया। भास्कर रिपोर्टर से बातचीत में लड़की ने पहले पूछा कि संचालिका ने आपसे या माँ पिता से पैसे तो नहीं लिए। उसने कहा कि वह अपने घर जाना चाहती है। सेक्टर 14 स्थित मनु सेवा संस्थान में प्रवासरत बालिकाओं और किशोरियों को रुपए लेकर पुरुषों से मिलाने और नियम विरुद्ध पुरुषों को बालिका गृह में प्रवेश देने के मामले में बाल कल्याण समिति की ओर से लिखित में दिए जाने के बाद गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में संचालिका के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने इसके आदेश जारी किए थे। वहीं गृह में प्रवासरत रही बालिकाओं के बयान भी संचालिका के करतूतों से अब पर्दा उठाएंगे। मामला सामने आने के बाद बाल कल्याण समिति अध्यक्ष ध्रुव कुमार कविया मंगलवार को मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने प्रवासरत किशोरियों और बालिकाओं से बातचीत की और आवक जावक रजिस्टर की जांच की तो इसमें बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई और संचालिका गुणमाला चलावत के खिलाफ पुलिस को मामला दर्ज कर कार्रवाई करने के उन्होंने तुरंत आदेश दे दिए थे। CWC के आदेश पर बच्चियों को यहां से सरकारी गृह में शिफ्ट भी कर दिया गया। वहां पर 3 स्तर पर बच्चियों की काउंसलिंग की जाएगी, इसमें बच्चियों के बयान लिए जाएंगे और इसके बाद संचालिका की करतूतें सामने आती चली जाएंगी। नियमों के मुताबिक बालिका सुधार गृह में नाबालिग लड़कियों से CWC के बिना अनुमति के उनके माता पिता भी नहीं मिल सकते। बावजूद इसके मनु सेवा संस्थान के बालिका सुधार गृह की संचालिका गुणमाला चेलावत द्वारा रुपए लेकर पुरुषों को प्रवेश देने का मामला सामने आया। वह लड़कियों को सगाई शादी के लिए तैयार करने की गारंटी भी दे देती थी। एक महिला शहर में खुलेआम बेधड़क लड़कियों का सौदा करती रही। किसी को कानोकान खबर नहीं हो पाई कैसे एक संचालिका अपने आप को मालकिन समझ बैठी। और सबसे बड़ी बात, ऐसा नहीं है कि यह महिला गुणबाला चेलावत के खिलाफ पहली बार कोई शिकायत मिली हो, पहले भी यह महिला काफी चर्चा में रही है। तो आखिर ऐसा क्या है कि इस पर कार्रवाई नहीं होती, हर बार ये कैसे कार्रवाई से छूट जाती है? क्या ऐसा रसूख के कारण होता है? कौन है जिसके दम पर ये मासूमों की जिंदगी का मोल लगा देती है? अगर भास्कर स्टिंग नहीं करता तो क्या गारंटी थी कि अभी भी इस पर कोई आंच आती? दो रिपोर्टर अगर ये हिम्मत नहीं जुटाते तो क्या प्रशासन की नींद कभी खुलती ही नहीं? ये सवाल सुलगते सवाल हैं जिनके जवाब जनता के सामने आने बहुत जरूरी है। साथ ही ऐसी और भी कई संस्थाएं आसपास संचालित हैं तो उन पर भी निगरानी रखी जाए, साथ ही लगाम भी खींची जाए, जिम्मेदारी तय की जाए ताकि बेटियों को महफूज किया जा सके।
उदयपुर में पहली बार सीबीएसई वेस्ट जोन स्केटिंग कंपटीशन का आयोजन सीपीएस स्कूल के मेजबानी में स्कूल ग्राउंड पर शुरू हुआ। कंपटीशन में 5 राज्यों के 2625 स्टूडेंट्स भाग ले रहे हैं। इसमें वेस्ट जोन के राजस्थान सहित मध्य प्रदेश, दादर नागर हवेली, दमन दीव और गुजरात राज्य के प्रतिभागी खेल रहे हैं। ग्राउंड पर बच्चों की स्केटिंग रफ्तार से हर कोई आकर्षित हो रहा है। पेरेंट्स अपने बच्चों का हौसला बढ़ाते हुए नजर आए। कॉम्पिटिशन में कुल 450 सीबीएसई स्कूलों के 9 से 18 आयु वर्ग के खिलाड़ी खेल रहे हैं। यहाँ अच्छा परफॉर्मेंस वाले प्रतिभागियों का चयन नेशनल कंपटीशन के लिए किया जाएगा। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि गुजरात के सेक्रेटरी हरित शुक्ला थे। विशिष्ट अतिथि एयरपोर्ट डायरेक्टर नंदिता भट्ट, जिला खेल अधिकारी शकील हुसैन, सीबीएसई ऑब्जर्वर सीपी चतुर्वेदी और खेलगांव खेल अधिकारी ललित सिंह झाला थे। स्कूल चेयरपर्सन अलका शर्मा ने बताया कि अंडर 8, अंडर 10, अंडर 12, अंडर 14 और अंडर 16 आयु वर्ग में कॉम्पिटिशन हो रहे हैं। इसमें क्वाड रेस में 300 मीटर टाइम एंड ट्रायल रेस है। शुक्रवार को खेलगांव में 500 मीटर और 1000 मीटर की क्वाड रेस का आयोजन होगा। 26 दिसंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता के मैच खेलगांव और सीपीएस स्कूल ग्राउंड पर हो रहे हैं। छात्राओं को अच्छे नंबर देने के एवज में और उनके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के दबाव बनाने वाला कोटा के आरटीओ प्रोफेसर गिरीश परमार को निलंबित कर दिया गया है। इस घटना की मंत्री सुभाष गर्ग ने निंदा की है। मंत्री सुभाष गर्ग ने कहा कि ऐसी घटनाएं समाज के लिए काफी निंदनीय है। इस मामले को लेकर तकनीकी शिक्षा सचिव ने वाइस चांसलर को कार्यवाही के लिए निर्देशित किया है। मंत्री सुभाष गर्ग राजनीति में आने से पहले प्रोफेसर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक शिक्षक के लिए इससे ज्यादा निंदनीय काम क्या हो सकता है कि वह अपने ही स्टूडेंट पर इस तरह की नजर रखे। मंत्री ने कहा कि हमारे तकनीकी शिक्षा सचिव ने ऑलरेडी वाइस चांसलर को निलंबित कर दिया है और उसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही होगी। प्रोफेसर गिरीश परमार को सस्पेंड कर दिया गया, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसी घटनाएं समाज के लिए बहुत चिंतनीय है और इस तरह के शिक्षक भर्ती हो जाते हैं और इस तरह की हरकतें करते हैं। मंत्री ने कहा कि मैं तो यही कह सकता हूं कि इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। वाइस चांसलर को भी कहा गया है कि इस तरह की घटनाएं ना हो, इस तरह की कहीं भी सूचना मिले तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। टीचर अपने पद का गलत उपयोग करते हैं, ये गलत है। भीलवाड़ा की एक लड़की मीठी मीठी और झूठी बातें बोलकर लड़कों को प्यार के जाल में फंसाती है और इसके बाद शुरू करती है प्री प्लान्ड तरीके से अपना शातिर खेल। दुनिया के सामने बदनाम करने, अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी देकर लाखों रुपए मांगती है। बकायदा प्यार में फंसे लड़कों से डील की जाती है और इस शातिर लड़की मनीषा और जोया के खिलाफ 3 मामले राजस्थान और 1 मध्य प्रदेश में दर्ज हुआ है। आरोप है कि उसने MP में एक डॉक्टर को 2 अन्य डॉक्टरों के साथ मिलकर ब्लैकमेल किया। मामला दर्ज होने के बाद उसे MP पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उसके खिलाफ भीलवाड़ा के सरपंच ने केस दर्ज करवाया। अब भीलवाड़ा पुलिस उसे MP के देवास जेल से प्रोडक्शन वारंट पर पकड़ कर लाई है। शातिराना लड़की अपनी एक गैंग के साथ काम करती है, अलग अलग लोगों को फंसाते हुए अपना नाम भी अलग बताती है। हनी ट्रैप में फंसाने वाली लड़की 32 साल की है और भीलवाड़ा के सांगानारी गेट के खरी गाँव की रहने वाली है। अपना नाम मनीषा डेविड, पत्नी नितिन डेविड, जोया खान और सिमरन, पत्नी इदरिस खान बताती है। अलग अलग लोगों को टारगेट करते हुए अपना नाम भी बदल लेती है, जॉब मांगने के बहाने नजदीकियां बढ़ाती हैं और उसके बाद ब्लैकमेल करती हैं। रायला पुलिस थाने के सब इंस्पेक्टर महावीर जाट ने बताया कि जोया हनी ट्रैप के लिए पैसे वाले और इज्जतदार लोगों को टारगेट बनाती थी। काम के बहाने से नजदीकियां बढ़ाने पर किसी होटल या अन्य जगहों पर बुलाती और इस दौरान मोबाइल से वीडियो और फोटो लेकर वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करती है। अगर कोई उसके खिलाफ मामला दर्ज करवाता है तो वो भी उसके खिलाफ केस दर्ज करवाती है। मनीषा और जोया के खिलाफ अभी तक अलग अलग 4 पुलिस थानों में ब्लैकमेलिंग के मामले दर्ज हुए हैं। वहीं उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, नीमच, देवास सहित कई जिलों में हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग के केसों में जोया का नाम आ चुका है। कई लोगों ने डर के कारण मामले दर्ज ही नहीं किए। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि जोया ने पहली शादी नितिन नाम के युवक से की थी और इसके बाद उसने भीलवाड़ा में रहने वाले इदरिस नाम के युवक से शादी कर ली। जोया की 4 बेटियां हैं। युवक को हनी ट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल करने के मामले में आरोपी महिला को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया। महिला MP की एक जेल में बंद थी। उसने युवक को बदनाम करने की धमकी देकर 3.5 लाख रुपए की मांग की। मामला सामने आने के बाद से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। भीलवाड़ा पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर उसे पकड़ कर लाई है। प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अर्क डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट।
अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।